आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो देखिए क्या है इस टॉपिक में। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक करके और कमेंट करके हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहिए, ताकि हमारा भी एनर्जी बना रहे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक। पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफ़र ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलिन। यानी जो भी पॉलिनेशन हुआ, मतलब कि पॉलिन ग्रेन ट्रांसफ़र होके स्टिग्मा पे गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो राइट टाइप हो। राइट टाइप मतलब उसी की स्पीशीज़ का हो, कोई दूसरे स्पीशीज़ का भी हो सकता है। ऑफन पॉलन ऑफ रॉन्ग टाइप, कि राइट टाइप की कोई गारंटी नहीं देता, ये रॉन्ग टाइप भी हो सकता है। आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज़ और फ्रॉम द सेम प्लांट, कि ये दूसरे स्पीशीज़ का भी हो सकता है या सेम प्लांट का भी हो सकता है। ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है, कि दूसरे का या अपना भी लैंड कर सकता है। द पिस्टल हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पॉलन वेदर इट इज़ ऑफ राइट टाइप, कि जो पिस्टल है उसके पास ये एबिलिटी होता है कि वो पहचान सके कि वो राइट टाइप का है या नहीं, और रॉन्ग टाइप की राइट है या रॉन्ग। अगर राइट है तो उसको बोलते हैं कंपेटेबल, अगर राइट नहीं है तो उसको हम बोलते हैं इनकम्पेटेबल, यानी रॉन्ग है तो इनकम्पेटेबल। इफ इट इज़ ऑफ राइट टाइप द पिस्टल एक्सेप्ट द पॉलन एंड प्रोमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। तो कह रहा है अगर राइट टाइप हुआ तो ये जो हमारा पिस्टल है, वो पिस्टल यानी फीमेल पार्ट, उस पॉलन को एक्सेप्ट करती है और पोस्ट पॉलिनेशन को प्रोमोट करती है। पोस्ट पॉलिनेशन मीन्स कि जो पॉलिनेशन हो गया, अब उसके बाद का इवेंट, यानी पॉलिनेशन होने के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, या फर्टिलाइजेशन को प्रोमोट करती है, ठीक है, राइट टाइप है तो। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा ये डायग्राम, ये वाला, ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है जिसके ऊपर ये पॉलन ग्रेन आके गिरा है, और ये देखिए आप, ये पॉलन ट्यूब बन रहा है। ट्यूब मतलब ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जो कि घूमता हुआ ओवरी के अंदर घुस गया है, ठीक है ना, और ओवरी के अंदर, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये रहा सिनर्जिड ओवरी के अंदर, जो हमने इससे पहले देख रखा था, सिनर्जिड, एग सेल, पोलर न्यूक्लिया, एंटीपोडल, और ये है आपका पॉलन ट्यूब। यानी इसी ट्यूब में से जो पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमिट है, वो गैमिट ट्रांसफ़र होता है। और ये अंदर वाला स्ट्रक्चर, ये जो आप देख रहे हैं, ये भी हमने ऊपर देख रखा है, और ये जो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर है, इसको भी हमने देख रखा है। तो ऊपर हमने जो देखा था स्ट्रक्चर, उसी को ये देख पा रहे होंगे कि आप उल्टा करके लगाया हुआ है, ठीक है ना, क्लियर हुआ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आइए थोड़ा मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ अपने पुराने डायग्राम पे। ये ओबरी वाला डायग्राम आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। देखिए यहाँ पे ये जो वाला पोर्शन है, नीचे की साइड में है, और वहाँ पे जो हमने देखा था वो कुछ इस तरीके से था, इस तरीके से, और उसी को यहाँ टर्न कर दिया, लेकिन जो बीच वाला स्ट्रक्चर वो एज इट इज़ रखा हुआ है, ठीक है, देख पा रहे होंगे। सिनर्जिड वाला पोर्शन नीचे है, ठीक है, यहाँ पे भी सिनर्जिड वाला पोर्शन नीचे ही है, एग सेल बीच में है, एग सेल बीच में, ऊपर एंटीपोडल, यानी ऊपर एंटीपोडल, नीचे सिनर्जिड। तो इसको बड़ा करके देखने के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर एंटीपोडल, नीचे सिनर्जिड, ठीक है। अब इस बात को ध्यान रखने के लिए आपको मैं ऊपर ले चलता हूँ डायग्राम पे। ये देख पा रहे होंगे आप ये डायग्राम, ऊपर एंटीपोडल, नीचे सिनर्जिड, क्लियर हुआ ना। तो यही वाला डायग्राम उसी के अंदर भरा हुआ है, और ये यहाँ से ये साइड से आया है आपका पॉलन ट्यूब, उसमें पॉलन ट्यूब जो दिखा रहा है वो पॉलन ट्यूब यही वाला है जो साइड से आके घुसा है, ठीक है, ऊपर से। और इसके ऊपर वाला जो डायग्राम हमने देखा था, उसको वहाँ पे उल्टा बना दिया है, क्लियर हुआ ना। ये वाला, ये जो डायग्राम है, ये वाला यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये चलाजल पोल नीचे है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, चलाजल पोल ऐसे, इसको ये जो ये वाला पोर्शन है ये नीचे आ जाएगा, और कैसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा, क्लियर हुआ ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा इस तरीके से, ठीक। और ये जो बीच वाला, ये अभी हमने नीचे देखा है, तो बाकी स्ट्रक्चर ऐसे घूम के नीचे आ जाएगा, और यहाँ से इस तरीके से ये पॉलन ट्यूब अंदर घुस जाएगा, ठीक है।
और इसी पॉलन ट्यूब से होता हुआ मेल गैमेट भी पहुंच जाएगा अंदर। क्लियर हुआ? आई थिंक मैं आपको समझा पा रहा हूँ सही से। तो चलिए अब पूरा डायग्राम हम कंप्लीटली देख लेते हैं। क्लियर हुआ ना? तो सबसे पहले ओवरी, ओवरी के अंदर ये वाला डायग्राम, वो भी आपको सोचना है उल्टा, और इसके अंदर ये वाला डायग्राम सेट करना है। ये वाला मतलब अभी जो हमारा नीचे हमने देखा, ये जो फीमेल हमारा गैमेट तैयार हुआ, ये जो था ना, ये पूरा प्रोसेस, मेगा स्पोर मदर सेल बना, मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर टेट्राड बना, फिर टेट्राड में फर्दर डेवलपमेंट होके ये जो आपका 7 सेल 8 न्यूक्लियड वाला स्टेज बना मेगा स्पोर का, ये वाला डायग्राम याद रखना है। इसी डायग्राम में देखिए जो हमारा पॉलन ट्यूब में से मेल गैमेट आएगा, वो एक तो गैमेट जाएगा आपका इस एग सेल के पास, ठीक है? जो पॉलन ट्यूब में मेल गैमेट आएगा, उसमें से मेल गैमेट में होगा आपका दो दो सेल, तो एक तो जाएगा आपका ऐसे दो होगा, एक तो आपका इस ये जो एग सेल है एग के साथ जाके फ्यूज़ होगा, और दूसरा वाला आपका इस पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो देखिए एक ही के अंदर दो जगह फ्यूज़ हो रहा है, तीसरी प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हुआ? तो ये डायग्राम आप ध्यान रखिएगा, ऊपर जो ओव्यूल वाला स्ट्रक्चर, फिर उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर, अब फाइनली इस पूरे को हमें सेट करना है उस वाले डायग्राम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि अगर राइट टाइप का पॉलन ग्रेन आएगा, तो ये पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता हुआ अंदर घुस जाएगा वे फिलीफॉर्म एपरेटस वाले साइड से, ठीक है? और उसके बाद इसमें जो मेल गैमेट होगा वो जाके अंदर फ्यूज होगा। और ये वाला डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, ये पॉलन ट्यूब का स्ट्रक्चर जूम करके आपके सामने दिखा रखा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार देख लीजिए फिगर में क्या लिखा हुआ है। तो ये जो पहला वाला डायग्राम है, ये क्या है आपका, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन दिखा रखा है। फिर उसके बाद ये वाला जो बी वाला है, इसमें आपको पॉलन ट्यूब दिखा रखा है। और ये वाला जो डायग्राम है, ये एल एस मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, यानी लंबाई से काट के दिखा रखा है आपको पॉलन ट्यूब का ग्रोथ। उसके बाद ये जो डी वाला डायग्राम है, इनलार्ज व्यू ऑफ एन एग एपरेटस शोइंग एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। और ये जो ई वाला डी वाला डायग्राम है, ये देखिए ये पॉलन ट्यूब यहाँ से घुस रहा है, इस पॉलन ट्यूब को दिखा रखा है कि किस तरीके से पॉलन ट्यूब अंदर एंटर कर रहा है। फिर उसके बाद जो ई वाला पॉइंट है, ई वाला, तो ये ई वाला ये दिखा रहा है कि इसका जो मेल गैमेट है वो अंदर जाके किस तरीके से डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है ना? कि जो पॉलन ग्रेन था वो पॉलन ग्रेन डिवाइड होकर दो सेल बनाता है, उसमें से देखिए ये दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट इधर और एक मेल गैमेट इधर, ये वाला दिखा रहा है एंट्री हो रहा है, देख रहे हैं आप फिलीफॉर्म एपरेटस वाले साइड से एंटर कर रहा है। यहाँ पूरा डायग्राम नहीं दिखा रखा, अगर पूरा डायग्राम दिखाता तो ये ऊपर से इस तरीके से बना होता, ये नीचे वाला केवल काट के दिखा रखा है। ये देखिए आप फिलीफॉर्म एपरेटस, फिलीफॉर्म एपरेटस में घुस रहा है, और इसके अंदर ये रहा आपका सिनर्जिड वाला सेल, और ये रहा आपका एग सेल, और ये बीच में रहा आपका जो पोलर न्यूक्लिया या सेंट्रल सेल, ठीक है? फिर ई वाले में क्या दिखा रखा है, देखिए यहाँ पे ये मेल गैमेट को डिस्चार्ज कर दिया, यहाँ पे देख पा रहे होंगे दो दो गैमेट लिखा हुआ है, तो ये दोनों ये मेल गैमेट दिखा रखा है। तो आइए अब हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना? चलिए तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ। तो डायग्राम अगर क्लियर हो गया होगा तो आपको अच्छे से अब थ्योरी बहुत ही ईजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो एक बार सुनिए, मैं बहुत ही आराम से एक बार फिर से आपको रिपीट करा दूँ, क्योंकि ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए ये वाला डायग्राम तो क्लियर हो गया होगा। अब इस डायग्राम के अंदर ये जो पॉलन ट्यूब पहुंचा, तो पॉलन ट्यूब क्यों डेवलप होता है? पॉलन ट्यूब इसलिए डेवलप होता है ताकि जो पॉलन ग्रेन है उसके अंदर जो मेल गैमेट है, उस मेल गैमेट को एक प्रॉपर वे में फीमेल गैमेट तक पहुंचा पाए। और फीमेल गैमेट कौन है? ये जो एग है और ये जो न्यूक्लियाई वाला है, ठीक है? तो ये आप यहाँ पे देखिए फिलीपॉम एपरेटस वाले, यानी ये जो था ये पॉलन ग्रेन इधर से जो आया था, जो पॉलन ट्यूब से, ठीक है ना? ये आपका पॉलन ट्यूब कुछ इस तरीके से अटैच है, ये जो पॉलन ट्यूब है कुछ इस तरीके से आया अंदर, और यहाँ से आके ये अभी स्ट्रक्चर ऊपर से आधा कटा हुआ है, इस तरीके से यहाँ से
बना हुआ पूरा, ये आपका सिनर्जिड हो गया, फिर इधर आपका एंटीबॉडल वाला सेल भी होगा, तो उस वाला उतना बना नहीं रखा है, आधा बना रखा है जितना काम के लिए चाहिए अभी। ठीक है, तो चलिए अब हम थ्योरी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है वही, अगर राइट टाइप का होगा तब तो पॉलिनेशन होगा, ओ सॉरी फर्टिलाइजेशन होगा। तो राइट टाइप का होगा तो क्या हो जाएगा आगे, फर्टिलाइजेशन होगा। ये देखिए लीड्स टू फर्टिलाइजेशन इफ पॉलन इज ऑफ रॉन्ग टाइप, कि अगर गलत पॉलन आ गया, द पिस्टल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल। क्लियर हुआ, क्या रॉन्ग तरीके का आया तो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन का जर्मिनेशन नहीं होगा और क्या नहीं होगा, या फिर जो स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब ग्रोथ होगा ना, वो स्टिग्मा स्टाइल के अंदर से ही तो पॉलन ट्यूब आ रहा था अंदर, तो वो स्टाइल क्या करेगा, पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट नहीं होने देगा। द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूस डायलॉग बिटवीन पॉलन ग्रेन एंड पिस्टल। यानी जो भी ये एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता है ये दोनों साइड से होता है, मतलब पॉलन ग्रेन और पिस्टल दोनों के मिलजुल के ये करते हैं रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस वाली काम। दिस डायलॉग इज मीडिएटेड बाई केमिकल कॉम्पोनेंट ऑफ पॉलन इंट्रैक्टिंग विद दोज ऑफ पिस्टल। और ये इंट्रैक्टिंग कैसे होता है, केमिकल के थ्रू, यानी ये जो डायलॉग होता है, डायलॉग मतलब जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, ओ हाँ मैं तुम्हारे ही स्पीशीज़ का पॉलन ग्रेन हूँ, मुझे एक्सेप्ट करो, तो स्टिग्मा भी क्या कहता, अच्छा, तुम हमारे स्पीशीज़ का हो, ठीक है अभी एक्सेप्ट करता हूँ। तो ये सारा जो वो लोग तो बातचीत तो करते नहीं है कि स्टिग्मा बोल रहा हो, पॉलन ग्रेन बोल रहा हो, तो वो लोग का जो डायलॉग होता है या उन लोग का जो बातचीत होता है वो होता है केमिकल के थ्रू। केवा देखिए केमिकल कंपोनेंट, इट इज ओनली इन रिसेंट इयर्स दैट बोटानिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टल कंपोनेंट्स एंड द इंट्रैक्शन लीडिंग टू द रिकॉग्निशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। एज मेंशन्ड अर्लियर फॉलोइंग कंपेटेबल पॉलिनेशन द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, कि अगर कंपेटेबल पॉलिनेशन हुआ तो ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट होगा टू प्रोड्यूस पॉलन ट्यूब और वहाँ से पॉलन ट्यूब बना देगा, पॉलन ट्यूब वही जो ट्यूब अभी दिखाया था ऊपर, थ्रो वन ऑफ द जर्म पोर्स द कंटेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। तो वो जो पॉलन ग्रेन का कंटेंट है वो कहाँ मूव होने लगेगा, पॉलन ट्यूब के अंदर। पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यू ऑफ स्टिग्मा एंड स्टाइल रीचेस ओवरी। तो वो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा स्टाइल से ग्रो करते हुए ओवरी के अंदर पहुंच जाएगा। और सारी चीज़ें मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ किस तरीके से होता है, अब उसी को लाइन टू लाइन थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ। और ये फिगर बी और सी में दिखा रखा है। यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल्ड कंडीशन। तो अगर आपको याद होगा तो पॉलन ग्रेन में दो सेल्ड कंडीशन होता है, वो भी कौन कौन सा, एक तो होता है वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। याद है ना, जब पॉलन ग्रेन डेवलप करवा रहे थे तो फाइनली पॉलन ग्रेन में दो सेल हो रहा था, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। इन सच प्लांट्स द जनरेटिव सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म्स टू मेल गेमेट्स ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। तो कह रहा देखिए, वो जो हमारा क्या था, पॉलन ग्रेन था, ठीक है ना, समझेगा थोड़ा सा ध्यान से। तो पॉलन ग्रेन के अंदर तो था, एक तो था हमारा वेजिटेटिव सेल और एक था जर्मिनेटिव सेल, ठीक है। तो ये जो जर्मिनेटिव वाला सेल, अगर इसको भी देखना है फिगर ऊपर देख सकते हैं, तो जो जर्मिनेटिव वाला सेल है जब वो स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ट्यूब डेवलप करता है तो यही जो जनरेटिव सेल है, ठीक है ना, ये क्या करता है,
ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है, दो गैमेट बना देता है, ठीक है ना, दो मेल गैमेट बनाता है। क्लियर, वो आपको बताया था अभी ऊपर कि दो मेल गैमेट बनाता है जो जनरेटिव सेल, एक था वेजिटेटिव और एक था जनरेटिव। तो जनरेटिव वाला सेल डिवाइड होता है, और कब डिवाइड होता है, जब पॉलन ट्यूब डेवलप हो रहा होता है, ठीक है, एक तरफ पॉलन ट्यूब डेवलप होता है और एक तरफ जो जनरेटिव सेल है वो दो मेल गैमेट बनाता है, ठीक है, ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। इन प्लांट्स विच शेड पॉलन इन द थ्री सेल्ड कंडीशन, कि जो हमारा थ्री सेल्ड वाले कंडीशन में होता है, पॉलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट्स फ्रॉम बिगिनिंग, पॉलन ट्यूब कैरी द टू मेल गैमेट। फ्रॉम बिगिनिंग पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ठीक है, जब वो रीचिंग में वो ओवरी के पास पहुंचता है, दो मेल गैमेट लेके पहुंचता है, एंटर द ओव्यूल, और कहाँ घुस जाता है, ओव्यूल के अंदर, और किस साइड से, माइक्रोपिलर एंड से, ठीक है, माइक्रोपिलर और चिलाजल एंड बार बार बताया था आपको, तो वो डायग्राम आप फिर से देखिएगा, माइक्रोपिलर एंड से घुसेगा एंड देन एंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू फिलीफॉर्म एपरेटस, और उसके बाद वो फिलीफॉर्म एपरेटस से होता हुआ सिनर्जिड के अंदर, ये फिगर 2.12 D और E में दिखा रखा है। मैनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट फिलीफॉर्म एपरेटस प्रजेंट एट द माइक्रोपिलर पार्ट ऑफ द सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। तो कह रहा है अभी जो बहुत सारे रिसेंट स्टडी में ये पता चला है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये पॉलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता है कि तुम्हें इधर उधर से ग्रोथ करके जाना है अंदर। ऑल दिस इवेंट्स फ्रॉम पॉलन डिपोजिशन ऑन द स्टिग्मा अंडर ओ सॉरी अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर द ओव्यूल आर टुगेदर रिफर्ड एज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन, ठीक है, कि वो जो भी हमारा पॉलिनेशन हुआ वहाँ से लेके जब तक वो पॉलन ट्यूब डेवलप हुआ और ओव्यूल के अंदर पहुँचा, यहाँ तक का प्रोसीजर कहलाता है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या हुआ कि वो पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आ गया जब तक, तो वहाँ तक तो है पॉलिनेशन, ठीक है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन कहीं से उड़ के आ गया या किसी जानवर के बॉडी से छूट गया, तो वहाँ तक तो हो गया पॉलिनेशन, और वहाँ जो डिपोजिशन हो गया, उस डिपोजिशन के बाद पॉलन ट्यूब बनना, फिर मेल गैमेट को कैरी करके वहाँ तक पहुँचाना ओब्यूल तक, वो कहलाता है पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर पॉलन पिस्टल स्ट्रक्चर इज डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रोमोटिंग और इनहिबिशन ऑफ पॉलन। द नॉलेज गेंड इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो कह रहा है ये जो भी हमारा पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन है, इस चीज़ का जो स्टडी है, ये ब्रीडर ब्रीडर को चेंज करने में मदद करता है, ठीक है, ब्रीडर के मैनिपुलेशन में, मतलब जैसे हम हाइब्रिड वगैरह बनाते हैं, तो इन सब चीज़ में ये मदद करता है, इवन इन इनकम्पेटेबल पॉलिनेटर्स टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड हाइब्रिड्स, ठीक है, इनकम्पेटेबल पॉलिनेशन भी हम करा देते हैं कई बार इस प्रोसेस के थ्रू, जो कि हमारा कहलाता है हाइब्रिड। यू कैन इजिली स्टडी पॉलन जर्मिनेशन बाई डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम फ्लावर सच एज पी चेक पी क्रोटलेरिया बाल्सम एंड विनका ऑन अ ग्लास स्लाइड कंटेनिंग अ ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन हमें लेना है 10%, ठीक है। तो कह रहा है आप पॉलन जर्मिनेशन आराम से देख सकते हैं, तो कुछ पॉलन ग्रेन को डस्ट करा लीजिए, डस्टिंग मतलब निकाल लीजिए, कहाँ से निकालना ये देख रखा आपके एग्जाम्पल, किसी में से निकाल के ग्लास स्लाइड में डाल दिए, ग्लास स्लाइड वो कांच का जो स्लाइड होता है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल किया होगा, उस ग्लास स्लाइड के ऊपर उस पॉलन ग्रेन को लेना है और उसके ऊपर
10% सॉल्यूशन बना के डालना है। 10% सॉल्यूशन मीन्स 10 ग्राम लेना है आपको चीनी और 90 ml लेना है पानी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा 10% सॉल्यूशन। तो इस 10% सॉल्यूशन उसके ऊपर डाल के 15 से 30 मिनट के बाद, आफ्टर अबाउट 15 to 30 मिनट, ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर लो पावर लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप, यू आर लाइकली टू सी पोलन ट्यूब्स कमिंग आउट ऑफ द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। अगर इस सॉल्यूशन को डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि उसमें से पोलन ट्यूब निकल रहा है, यानी जर्मिनेट हो रहा है उस शुगर सॉल्यूशन के थ्रू। एज यू शैल लर्न इन द चैप्टर ऑन प्लांट ब्रीडिंग, तो ये आप पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग में, ए ब्रीडर इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज एंड ऑफन जनरल टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर्स टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वराइटीज। तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हम करा सकते हैं अलग अलग स्पीशीज की कैरेक्टर को मिक्स करके एक नया वराइटी तैयार कर सकते हैं जिसको बोलते हैं हाइब्रिड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम करा सकते हैं कि जो भी हमें ज़रूरत वाले कैरेक्टर है उनका, तो इसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए ये सारा काम हम करा सकते हैं कि अलग अलग स्पीशीज़ के कैरेक्टर को मिक्स करा सकते हैं। तो अब देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज़ वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, कि एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम है, जैसे फसल को ज़्यादा उगाना है तो उसका एक प्रोग्राम है ये। इन सच क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट ओनली द डिज़ायर पोलन ग्रेन्स आर यूज फॉर पॉलिनेशन। तो जो ज़रूरी वाले पोलन ग्रेन होता है उन्हीं से ही हम पॉलिनेशन करवाते हैं। एंड द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन, ठीक है। और स्टिग्मा को हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं कंटामिनेशन से। कंटामिनेशन मीन्स अनवांटेड पोलन से, कि कोई ऐसे ही कहीं से भी पोलन उड़ के ना आ जाए। दिस इज अचीव्ड बाय इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस, यानी कोई एकदम डिजायरेबल यानी ज़रूरत वाला पोलन ग्रेन जो डालना, इसके लिए हमारे पास दो प्रोसेस होते हैं। एक तो होता है इमेस्कुलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। तो आइए देखते हैं क्या होता है इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। इफ फीमेल पेरेंट बियर्स बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, कि अगर जो फीमेल पेरेंट है उसमें अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल फीमेल दोनों है, तो उसमें से है रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम द फ्लावर बर्ड बिफोर एंथर डेंस यूजिंग अ पेयर ऑफ फोरसेप्स इज नेसेसरी, ठीक है। तो अगर बाइसेक्सुअल वाले हैं तो उनके एंथर के जो डीहेस, मतलब यानी उनके मैच्योर होने से पहले या उनके फटने से पहले हम उनको निकाल लेते हैं, क्या करते हैं रिमूव कर लेते हैं फोरसेप की हेल्प से, फोरसेप यानी वही चिमटे की हेल्प से। दिस स्टेप इज रिफर्ड टू एज इमेस्कुलेशन, और ये जो एंथर को निकालना यानी मेल पार्ट को निकालना, ये प्रोसेस कहलाता है इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेटेड फ्लावर्स हैव टू बी कवर्ड विद अ बैग सुटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर। अब कह रहा है इसको हमें ढक के रखने की ज़रूरत है ताकि कोई भी कहीं से पोलन ग्रेन आके ना लैंड हो जाए, और वो ढकने के लिए हम क्या करते हैं प्रॉपर साइज़ के बटर पेपर लैब में देखा होगा, उस बटर पेपर से हम ढक के रखते हैं टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑन इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन। यानी हमने पोलन ग्रेन निकाल दिया और कहीं से इधर उधर से अगर उड़ के आ गया कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन, तो वो एंथर निकालने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम उसको क्या करते हैं पैक करके रखते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को यानी बटर पेपर से ढक के रखने वाले प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर अटेंस रिसेप्टिविटी, यानी जब ये बैगिंग किया हुआ स्टिग्मा तैयार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है रिसेप्टिविटी के लिए, मतलब पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैच्योर पोलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम एंथर्स ऑफ द मेल पेरेंट, तो हम जो मैच्योर पोलन ग्रेन कलेक्ट करते हैं जो मेल पेरेंट से, यानी जो हमारा डिजायरेबल मेल होता है उस मेल से जो हम कलेक्ट करते हैं, उसको डस्ट कर देते हैं या उसको डाल देते हैं स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है।
एंड द फ्लावर्स आर रीबैग्ड, और उसके बाद उस फ्लावर को फिर से बांध देते हैं, रीबैग मतलब वही कवर करके रख देते हैं, एंड द फ्रूट्स अलाउड टू डेवलप, और उसको हम ऐसे डिजेस छोड़ देते हैं ताकि उसमें अब फ्रूट डेवलप हो पाए। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहा है, इफ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो अगर हमारा कोई फ्लावर जो यूनिसेक्सुअली है, देयर इज नो नीड फॉर इमेस्कुलेशन, तो अगर यूनिसेक्सुअल है तो इमेस्कुलेशन की तो जरूरत पड़ेगी नहीं। और इमेस्कुलेशन मतलब निकालना, और निकालते किसको है, मेल पार्ट को, और कब निकालेंगे, उसके मैच्योर होने से पहले। द फीमेल फ्लावर बड आर बैग बिफोर फ्लावर ओपन्स, तो जो यूनिसेक्सुअल होता है उसमें फ्लावर के खुलने से पहले ही हम उसको बांध देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं बांधेंगे तो फ्लावर खुल जाएगा, तो कहीं ना कहीं से पॉलन ग्रेन उड़ के आने के चांसेस है। ठीक है, तो उसके खुलने से पहले हम बांध देते हैं। वेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव यानी मैच्योर हो जाता है, पॉलिनेशन इज कैरिड आउट यूजिंग द डिजायर्ड पॉलन, तो उस टाइम पे हम उसमें पॉलिनेशन करा देते हैं एक डिजायर्ड पॉलन के थ्रू, एंड फ्लावर रीबैग, उसके बाद फिर से हम उसको बांध देते हैं, मतलब ढक देते हैं। मतलब समझ में आया कि अगर बाइसेक्सुअल है तो उसमें मेल फीमेल दोनों होगा, तो मेल फीमेल दोनों होगा तो फीमेल पा ओ सॉरी मेल पार्ट को निकाल देंगे फोरसेप की हेल्प से। तो ये जो मेल पार्ट को निकालना ये कहलाता है इमैस्कुलेशन। अब उसको हमें बांध के रखना है या ढक के रखना है, तो अगर नहीं ढकेंगे तो कहीं ना कहीं से और मेल पार्ट यानी पॉलन ग्रेन आ सकता है। तो उसके बाद फिर जैसे ही वो मैच्योर हो जाएगा फीमेल हमारा, तो हम जो भी हमारा डिजायरेबल पॉलन ग्रेन जिस पौधे का चाहिए वहाँ से ला के उसके ऊपर डाल देंगे और उसको फिर से बांध देंगे। ठीक है, फिर अगर यूनिसेक्सुअल वाला है तो इमैस्कुलेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसमें केवल सिंगल फ्लावर ही होगा। तो उसके जो फूल है उसके खिलने से पहले हम उसको ढक के रखते हैं ताकि उसमें कोई भी अनवांटेड पॉलन ग्रेन ना पाए। तो जो भी डिजायरेबल होता है वहाँ से हम ला के फिर उसको ढक के रख देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे, जय हिंद जय भारत। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। जय हिंद।